ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। साल 2021 में तालिबान की सत्ता में आने के बाद से भारत अफगानिस्तान के रिश्तों में खटास आ गई थी, लेकिन हाल ही में अमेरिकी दौरे में जयशंकर की बड़ी जीत के बाद भारत ने तालिबान के साथ फिर से संबंधों को मजबूती देने की ओर कदम बढ़ाया। एस जयशंकर के नेतृत्व में भारतीय दूतावास ने काबुल में तालिबान के रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब मुजाहिद से सीधी बातचीत की। इसकी तस्वीरें आपके सामने है। इस यात्रा से दोनों देशों के रिश्तों पर बड़ा असर पड़ सकता है। साल 2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था, तब से भारत और अफगानिस्तान के बीच रिश्तों में ठंडक सी आ गई थी, लेकिन अब अमेरिका में जैसे ही ट्रंप की जीत हुई, वैसे ही भारत ने बड़ा खेल करते हुए तालिबान सरकार से संपर्क साध लिया है। दरअसल अमेरिका में अपने सफल कूटनीतिक अभियान के बाद विदेश मंत्री अजय शंकर ने भारत के लिए इस रिश्ते को फिर से मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। उन्होंने एक विशेष भारतीय प्रतिनिधि मंडल को काबुल भेज दिया, जिसमें अफगान मामलों के जानकार जेपी सिंह शामिल थे, जिनका तालिबान के रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब से सीधा संवाद हुआ। भारत की चिंताओं में मुख्य मुद्दा अफगानिस्तान की जमीन का आतंकवाद फैलाने के लिए उपयोग न होना है। भारत ये स्पष्ट करना चाहता है कि अफगानिस्तान की जमीन भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए। याकूब मुजाहिद ने इस दौरान भारत को भरोसा दिलाया कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने दिया जाएगा। तालिबान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब ने बातचीत में भारत के साथ ऐतिहासिक संबंधों का भी जिक्र किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अफगानिस्तान भारत को एक महत्वपूर्ण साझेदार मानता है। तालिबान का उद्देश्य मानवीय सहायता और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर सहयोग बढ़ाना है। ये कदम भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि बिना तालिबान को औपचारिक मान्यता दिए भी भारत अफगानिस्तान में अपनी उपस्थिति और प्रभाव बनाए रखना चाहता है। भारत इस बात पर ध्यान दे रहा कि अफगानिस्तान की स्थिरता एशिया के लिए सभी देशों के लिए महत्वपूर्ण है। अब अफगानिस्तान और भारत के बीच द्विपक्षीय बातचीत कैसे आगे बढ़ती है, ये देखना दिलचस्प होगा। बता दें कि भारत और अफगानिस्तान के बीच पहले से ही गहरी सांस्कृतिक और राजनीतिक मित्रता रही है, और अफगानिस्तान को भारत ने हमेशा एक अहम पड़ोसी और साझेदार माना है। जब तालिबान ने दोबारा सत्ता संभाली तो भारत को सुरक्षा के लिहाज से बड़ी चिंता होने लगी थी, क्योंकि अफगानिस्तान की जमीन का उपयोग आतंकवाद के लिए नहीं होना चाहिए। ये भारत का सबसे बड़ा स्टैंड रहा है। खैर, भारत का ये कूटनीतिक कदम तालिबान के साथ भविष्य में एक स्थिर और परस्पर सहयोगी संबंध स्थापित कर सकता है। ये अफगानिस्तान के लोगों के साथ साथ भारत के लिए भी फायदे का सौदा साबित हो सकता है। आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से भारतीय प्रतिनिधि मंडल काबुल पहुंचा और तालिबान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब मुजाहिद से मुलाकात की, उसे लेकर कॉमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।